ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। भाई हो गया दिक्कत, गाड़ी चालू हो नहीं रही है, हो रही तो बंद हो जा रही है। और अभी का टाइम हो गया है भाई रात का 1 और हम लोग पहुंचे हैं नामकिला पास। चलो भैया एक और दिक्कत हो गया, अंकित का फोन गिर गया बट समझ नहीं आ रहा कहाँ पे, कौन वो सबसे आगे चल रहा था। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमार्ग। और ये वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कल एंड कर नहीं पाए। सो आज क्या सीन है कि अभी का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 8 बजने वाला है, 7:40 हो गया है। और एक मेन इशू हो गया मेरे गाड़ी में कि भाई मेरा फॉग लाइट फिर से काम नहीं कर रहा है। तो ज़्यादा चांसेस है कि भाई ये इशू है कपलर या स्विच का ही है, और यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है जो मेरा गाड़ी खोले। सो अपन खुद ही गाड़ी खोलेंगे और देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। तो हाँ जी हम रेडी हो चुके हैं और भाई ले चुके हैं आज एप्पल, 1 एप्पल ए डे कीप अ डॉक्टर अवे। और हमारी गाड़ियाँ भाई तगड़ा रेडी है। इसका काम मैंने करके देखा, बाद में पता चला भाई स्विच में ही प्रॉब्लम है, और स्विच तो मिलने से रहा तो कोई कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, जितना लगा लो लेकिन तुम्हारा चेन आवाज़ करेगा ही करेगा। और ये देखो भाई क्या कबाड़ी की गाड़ी बना दिया है, गंदा तो देखो ऐसा फॉगलाइट देखो भाई कहाँ से इसमें लाइट मारेगा। ये इंडिकेटर देखो भाई बताइए। तो कल हम लोग वहाँ पे टेंट गाड़े थे और कुछ लोग रात भर भी रुके थे वहाँ पे। चलो फिर अब यहाँ से निकला जाए तो इस सोनमार्ग के ब्यूटी को करते हैं यहाँ पे टाटा बाय, और चलते हैं कारगिल के साइड। और हम लोग जो होटल में स्टे किए थे वो है ये हिल व्यू, और एक्चुअली में इसका प्रोनंसिएशन सोनमार्ग होता है बट लिखा जाता है सोनामार्ग। सोनमार्ग बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है भाई, और अभी मॉर्निंग में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, रात में तो भाई बहुत गंदा वाला ठंडा लग रहा था। ये बीआरओ के द्वारा पूरा रोड बढ़िया बनाया जा रहा है, लैंडस्लाइड ना हो बोल के इस चीज़ को कवर किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा होता होगा इधर लैंडस्लाइड, इधर का एरिया तो लग रहा है कि रिसेंट भी हुआ मानसून के टाइम। कारगिल यहाँ से 115 किलोमीटर है और ले 327 किलोमीटर। हमारा प्लान है कि अगर हम लोग ले तक मारेंगे तो ज़्यादा बेटर है, कारगिल में स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भाई पहाड़ तो देखो इतना विशाल विशाल कि क्या ही कहना। अगर रोड नहीं बना होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता, बट वी हैव अ गुड रोड। जब मैं मुस्टैंग कर रहा था वहाँ भी ऐसे ही रोड था, लेकिन रोड ही नहीं था, रास्ता था मतलब। और जो हालत ख़राब हुआ था भाई, ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर तो पक्का वाला लैंडस्लाइड वाला एरिया है, हल्का सा ज़मीन गीला होगा धरधराले पूरा पत्थर सब गिरता है, तो इधर का रोड का मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। ऐसा रास्ता में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अंटी अनलेस इसमें स्लोप हो, स्लोप होने के बाद जितना भी ये बड़ा बड़ा पत्थर दिख रहा है ज़मीन में इधर, ये सब निकल जाता है और रह जाता है सिर्फ डस्ट, तो ज़्यादा इंक्लाइनेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये वाला रोड बहुत ही खतरा वाला रोड लग रहा है, खतरा बोले तो डेंजर दिख रहा है। लेफ्ट साइड में पूरा मिट्टी वाला पहाड़ है, और मे बी लैंडस्लाइड ज़्यादा होता होगा इसलिए इस तरह का रोड बना दिया यहाँ पे, ये जल्दी ख़राब नहीं होता होगा शायद। तो लिटरली देख सकते हो यार वहाँ तक पूरा दिख रहा है पहाड़ के किनारे किनारे रास्ता। अभी कुछ टाइम पहले ही शायद यहाँ पे लैंडस्लाइड आई होगी इसलिए पूरा उसे क्लियर किया जा रहा है।
और जाम लग गया है। चलो फिर से हमें हरियाली दिखना शुरू हो गई। पीछे वाला रोड इतना डरावना था ना, इस ट्रक वाले को जाने दो। ऐसे रोडों पे आप सामने वाले को पास ज़रूर दिया करो यार, अगर आपके पास स्पेस है तो ज़रूर दिया करो। वैसे यहाँ पे तो काफ़ी ब्रॉड रोड है, बट बहुत सारा घाटी में ऐसा होता है कि वहाँ बहुत ही कम स्पेस होता है। इतना देर से खड़े होकर चला रहे ना, अब तो मेरा पैर भी दर्द दे रहा है और रोड ऐसा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बट वैसे कुछ खास दिक्कत नहीं है, कमर दर्द दे रहा है भाई, बैठ जाते कुछ देर। 2 hours later. इतना घंटा के बाद ये वाला रोड आया। हाँ थक गया यार, और मैं नज़ारा नहीं देखा, किधर तो पूरा हरियाली हट गया है। कुछ देखो यार, कुछ ऐसे वाले लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं बोले तो अच्छा दिख रहा था, सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ ऐसे जगहों में। ये पहाड़ इतना ऊंचा है ना कि क्या ही कहना। ओह ब्यूटीफुल प्लेस। तो भाई पानी के इतने करीब आए और पानी ना छुए, ऐसे कैसे हो सकता है। ठंडा तो होगा भाई, सीधे हिमालय से आ रहा है। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमारे होटल का पानी से भी बहुत ज़्यादा, जो डीप फ्रीज़र में होता है ना बर्फ, उसके जैसा है यार। तो चलो आगे चलते हैं, अब सफ़र लंबा है आज हमारा। पहाड़ों में ऐसे स्ट्रेट रास्ता हो तो क्या मज़ा है, क्या मज़ा है। ये जैसे लग रहा है कि फोटोज में रहता है, ब्राउन पहाड़, ग्रीन मेडोज, ग्रीन और येलो मेडोज, काला रास्ता, छोटे छोटे घर, स्लोपिंग वाले, ऐसे वाले, ज़बरदस्त है। और जो राइट साइड में पहाड़ देख रहे हो, इस टाइप का तो बस जब विंडोज़ XP यूज़ करते थे उस टाइम ये पहाड़ सब दिखता था, वो वॉलपेपर है। और इस साइड देखोगे तो ये पता नहीं, ये अलग ही है भाई, अलग ही स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा आगे बढ़ गए और इधर का पहाड़ का स्ट्रक्चर अलग है, ये लग रहा है कोयला वाला जैसा। तो भाई समय हो गया एक, और हमने ले लिया है फिर से एक ब्रेक जिसका नाम है ब्रंच। और मस्त टाइप का भाई ये है फ्राइड राइस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना से पेट भरेगा, इसलिए पहले ही और ऑर्डर दे दिए कि भाई और कुछ है वो भी ला दे यार, क्योंकि खाना रहेगा तब तो भाई गाड़ी चलाएंगे। टेप चाहिए वेस्टलैंड में निकालना है इसको, कुछ ना। वैसे हम लोग थे अभी ले से 171 किलोमीटर दूर, अराउंड 3.5 घंटा का राइड। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, इस पहाड़ के पीछे छिप चुकी है, बट मेन थिंग है कि बोल्ड ट्रिप पर गाड़ी फिर से हो गया है ख़राब। तो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास रुक के बना रहे हैं भाई, बताइए। हम पार्ट टाइम मिस्त्री भी है भाई। हाँ तो भाई जिसको गाड़ी बनाना हो पहुँच जाना भाई बोल्ड ट्रिपर के पास। वैसे राहुल लोग को आगे भेज दिए कि भाई तुम लोग आगे जाओ और होटल वोटल खोजो, स्टे ले लो, क्योंकि हम लोग 3 आदमी लोग काफ़ी है एक गाड़ी को टो करने के लिए, समझ रहे हो।
आजा। और तो और इसका जो स्पार्क प्लग था वो पूरा ही जल गया था और पूरा इंजन में करंट दौड़ रहा था। अभी चेंज कर दिए, देखते हैं भाई काम कर रहा है या नहीं। हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। देख रहे भाई, खुशी देख रहे भाई, एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया। तो अब हम लोग घर जा सकते हैं भाई। तो हम लोग अभी कुछ दूर ही आगे गए थे, ये नज़ारा चेकआउट करो, आतंक है ना। बट एक और प्रॉब्लम है कि भाई मेरा सिर दर्द दे रहा है। अब ये नहीं पता कि हम पानी कम पिए हैं या ये अल्टीट्यूड वाला सिर दर्द है, इसलिए गर्म पानी लाए थे इसको पीते हैं यार। तो अभी का टाइम हो गया है 7 और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। सारा लाइटिंग वाइटिंग सेट कर लिए हैं बट मेरा ये येलो लाइट जल नहीं रहा है और मैप में दिखा रहा है कि हमें चलना है 160 किलोमीटर इस अंधेरी रात में। अगर दिन दिन में ये रोड पार करते तो भाई मज़ा आ जाता, बिकॉज यहाँ का रोड काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, चौड़ा है, लीन उन बढ़िया होता। बट हम लोग जा रहे हैं रात में, तो हम भाई पूरी सेफ्टी के साथ कोई लीनबाजी नहीं करना यार, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 11 बजे पहुँचने वाले हैं, 10:30 के अराउंड। 2 hours later भाई हो गया दिक्कत। आरपीएम बढ़ा ना, गाड़ी चालू हो नहीं रही है, हो रही तो बंद हो जा रही है। तो हालत थोड़ा ख़राब है यार और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई गाड़ी बन जाए तो हम लोग आराम से पहुंच सके, लेकिन देखते हैं यार जल्दी जल्दी ठीक करेंगे, देखने रहे भाई इसको ना। तो भाई अब मेरा हो गया थोड़ा सा हालत ख़राब, मेरा सिर पकड़ रहा है और आँखों को बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। तो एक जो मेडिसिन हम लोग ने लिया था मैं उसे खा लेता हूँ यार। लो रखो, झारखंड से आज जा रहा हूँ, उधर से कहाँ से, सोनमार्ग से आ रहा हूँ आज। अगर ऐसे हो जाता है ना तो यहाँ पे पेंट मार लीजिएगा, ठीक है। पेंट ना रहने की वजह से ट्रांसमिट, समझ गया मैं, ये करंट लीकेज हो रहा है, पता है किसमें, अभी समझ लिया। एक मिनट लाइट दे, स्टार्ट करो जरा। सब निकाल दिया था ना। ओहो, एक नंबर स्पीड चल रहा है, स्टार्ट तो बढ़िया हुआ। क्या बात है, क्या बात है भाई, गाड़ी तो स्टार्ट हो रही है अब। हो गया सर, चले भैया, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू दोस्त, चलो ठीक है फिर, थैंक यू। तो भाई फरिश्ता आए और ये लोग ने तुरंत से आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई गाड़ी में क्या दिक्कत था और वो तुरंत से वो काम करने लगा। हम लोग क्या क्या खोल रहे हैं, कभी फिल्टर खोल रहे हैं, कभी स्पार्क प्लग चेंज कर रहे हैं, 10 तरह का ट्यूनिंग कर रहे हैं, बट वो समझ गए कि भाई दिक्कत क्या है। तो एक्चुअली में भैया लोग बना के गए थे बट फिर भी वो इशू हो रहा था, बट द गुड थिंग इज़ कि वो लोग आइडेंटिफाई कर दिए कि भाई इशू क्या है। मेन इशू था उस कपलर का जो स्पार्क प्लग में लगता था, हमारे पास ऑलरेडी स्पेयर में था, हमने चेंज कर दिया, अब वो सही चल रहा है। तो यहाँ से निकलते हैं। तो भाई टाइम हो गया हमारा 8:30 और हम लोग पहुँचे हैं नामकिला पास। चलो भैया, एक और दिक्कत हो गया, अंकित का फ़ोन गिर गया बट समझ नहीं आ रहा कहाँ पे, कॉज वो सबसे आगे चल रहा था।
और हम दोनों उसके पीछे थे, अगर गिरता तो हम लोग देखते, बट हम लोग ने देखा ही नहीं गिरते हुए। तो भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गाड़ी तो ठीक हो ही गया था बट अंकित का फ़ोन कहीं गिर गया। और हमें चांसेस है कि जहाँ पे हम लोग रुके थे अभी, नमकीला पास ऐसा कुछ नाम का पास था, वहाँ पे शायद गिर सकता है, शायद मोस्ट प्रोबेबली। तो कुछ राइडर लोग हमारे बाद इधर से निकले थे, जस्ट बाद, तो चांसेस है कि उन्हें मिल गया होगा और वो उठा लिए होंगे, बट नेटवर्क है नहीं। और अंकित के पास पोस्टपेड सिम भी नहीं था तो उसमें नेटवर्क था ही नहीं, तो अंकित नीचे चला गया है। और मे भी अगर वो राइडर लोग उन्हें मिलते हैं और उनके पास होगा तो अच्छी बात है यार। Two hours later. तो भाई वापस आ गए हो, मिल गया फोन, दिखाइए फोन मेरा। अंदर में डब्ल्यू का फोन लगा ले। सेफ वाह, देखो भाई ये फोन था भाई, चकाचक। बोला कि आपको फोन मिलता 10 दिन बाद मिलता। सो अभी का टाइम हो रहा है 12 और अंकित वापस आ चुका है, हम लोग चाय वो पिए मस्त टाइप से और अब यहाँ से निकल रहे हैं। और द गुड थिंग इज़ कि इसे फ़ोन में मिल गया, हाउ लकी, क्योंकि जहाँ पे इसका फ़ोन गिरा था वहाँ पे जस्ट कुछ बाद इस साइड से कुछ राइडर्स लोग जा रहे थे और उन्होंने फ़ोन उठा लिया। तो भैया हम पहुँच गए फाटुला टॉप और ये हाईएस्ट पॉइंट है श्रीनगर ले रोड में, जिसका हाइट है भाई 13,479 फीट। और अभी का टाइम हो गया है भाई रात का 1, सो समझ लो भाई कैसा एडवेंचर कर रहे हैं अपन लोग। रात का 1:48 हुआ और हम लोग अभी ले से 120 किलोमीटर अवे है।